हाईकोर्ट की स्टेट के बाद भी पीड़िता की जमीन पर भूमाफिया कर रहे हैं अवैध कब्जा। न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़िता, पीड़िता की जमीन का मुर्दे ने किया दबंगों के नाम बेनामा। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के विरुद्ध एंटी भूमाफिया अभियान चलाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का काम कर रही है, यहाँ तक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के बने मकानों पर बुलडोजर चलाकर पीड़ितों को कब्जा दिलाकर उन्हें न्याय देने का काम कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया जहां पीड़िता की जमीन पर दबंगों ने मृत व्यक्ति को जीवित दर्शाकर जालसाज कर दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर बेनामा कर लिया और अब उस जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करने पर तुले हुए हैं। पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत पर SDM मैनपुरी नवोदिता शर्मा ने कार्य करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम खर्रा का है। इस गांव की रहने वाली ममता देवी पांडे पत्नी हरिशंकर पांडे ने SDM मैनपुरी को दिए शिकायती पत्र में कहा कि क्षेत्र के ग्राम नगला कोडर निवासी विजय सिंह पुत्र सरनाम सिंह की शादी नहीं हुई थी, जिसके चलते विजय सिंह ने अपने हिस्से के खेत की जमीन का घाटा संग किया 9712, जिसका रकबा 0.809 अपने सगे भाई कुंवरपाल सिंह के नाम वर्ष 2000 से विरासत में दर्ज हो चुका था। इसके बाद विजय सिंह की दिल्ली वर्ष 2011 में बीमारी के कारण मौत हो गई। उक्त जमीन को 28 लाख रुपए में ममता देवी पांडे ने कुंवरपाल सिंह से खरीद ली, जिसका दिनांक 22 अक्टूबर 2011 को बेनामा करवा लिया गया। अब उक्त जमीन ममता के नाम दाखिल खारिज ना हो सकी तो उक्त जमीन का यादव नगर आगरा बाईपास रोड मैनपुरी निवासी बलबीर सिंह एडवोकेट ने 2013 में विजय सिंह की जगह पर रामेश्वर जाटव को थाना भेवर क्षेत्र के नगला जोत निवासी को खड़ा कर विजय सिंह दर्शाते हुए जमीन का बेनामा कर लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि विजय सिंह की मृत्यु 2011 में हो गई थी तो फिर 2013 में उसने बेनामा कैसे कर दिया। उत्तर प्रदेश में इस तरह के एक नहीं ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां रजिस्ट्रार ऑफिस में मुर्दे को भी जीवित खड़ा कर एक ही भूमि पर दो दो बार बेनामा कर दिया गया। अब ममता देवी पांडे की जमीन पर गांव मरेला निवासी दिनेश कुमार पुत्र रक्षपाल सिंह एवं अन्य अज्ञात 15 लोग गुंडागर्दी करते हुए अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिसका पीड़िता द्वारा शिकायत के बाद SDM मैनपुरी ने जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाने के आदेश दिए हैं और मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं न्याय की तलाश में ममता पांडे न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही हैं। पूरे मामले को लेकर पीड़िता ममता पांडे व अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ऐसा है, इन्होंने हमसे मेड़ बंधवाई थी। अच्छा, हाँ। और जेका नाम मराला के भूसर थे और बिना का नाम तो लेखपाल थे, तो हमें नहीं पता कि इनकी ये जमीन क्या है। मतलब जो है बेड आपने किसकी बांधे और कहा किस जगह? हमने इनकी बांधी थी। क्या नाम है इनका? गेहूँ जा रहे थे फिर पंडित जी वहाँ पहुँचे, जगह पंडित जी ने कही हमारे में खेत में मतलब आपने वो डाल दी। अब साहब ये नहीं, अब ये नहीं कह सकते ममता पांडे की है क्या उनकी। दादा, जो आपने जो नदी भरी थी तो कितने बीघा में भरी थी? हमने 10 बीघा दस बीघा की बाउंड्री मेड़ बांधी थी। सर, मैंने कुंवरपाल से जमीन खरीदी थी जी, इसके कुंवरपाल के भाई की जमीन थी विजय सिंह की। विजय सिंह रहते थे दाताराम के यहाँ पे, वो विजय सिंह हो गए खत्म। उनकी जगह एक रामेश्वर जाटव है नगला जोत का रहने वाला, उसको इनने दाताराम के यहाँ पे जोड़ा लाके उसका नाम विजय सिंह बनाया और विजय सिंह बना करके उससे इनने फर्जी बैनामा करवाया है सर। और बलवी से हमारा मुकदमा चल रहा है, तहसील में उनने अपने लहदे के सेटिंग करके उनने अपने नाम पर चढ़ा ली है और कोर्ट में अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है किसी के। और मेरा मुकदमा मैनपुरी न्यायालय में चल रहा है, कमिश्नरी पर चल रहा है और इलाहाबाद चल रहा है, इसी जगह का। और ये लोग अवध कब्जा करना चाह रहे हैं और हम पे प्रेशर बनाते हैं कि तुम राजीनामा करो बलवीर से। और जय अखंड ने कही थी हमसे, बलवीर यादव है, मैनपुरी के एडवोकेट है वे, और उनका काम है ये फर्जी दो का काम करवाना। पहली बात तो साहब, इनकी पट्टे की जमीन इनका खाता अलग है, ठीक है। हमारी पैतृक जमीन है और खाते हमारे सब लोगों की अलग है, ठीक। और इनकी जमीन मौका पे अभी देखा जाए वहाँ पे तो 10 बीघा से ऊपर निकलेगी, अभी जो पड़ी वही है वहाँ पे सो, ठीक है। जो तो खराम खाए हमारे ऊपर फिल्म लगा रही है, मतलब हमारा तो जो है इधर वो तो हमारे क्लियर ही है। अभी इन्होंने कागज
दाखिल किया है काम रुकवाने के लिए, बताइए तो क्या आपने काम बंद कर दिया? काम, हाँ काम तो बंद हमने कर दिया अभी हाल फिलहाल, लेकिन स्टे की मतलब क्या, हमारे पे कोई स्टे ही नहीं इनकी, ठीक, इनका आज विवाद जो है बलबीर से है और हमारा कोई इनसे विवाद नहीं। कुंवर पाल कहाँ के निवासी हैं? नवलाखावर। ममता जी को आप जानते हैं? जी हाँ। ममता जी ने जमीन किन से खरीदी है? श्री कुंवर पाल सिंह से। कुंवर पाल कौन थे आपके? पिताजी। पिताजी थे, और ये विजय सिंह कौन थे? हमारे चाचा। चाचा विजय सिंह, इनकी मृत्यु कब हो गई थी? इनकी 2000 में 2000 के बाद 2013 के आसपास इसका बैनामा दिखाया गया कि विजय ने किसी को बैनामा किया है, तो क्या संभव है कि 2013 में विजय सिंह बैनामा कर सकते थे? नहीं। क्यों? वो खत्म हो चुके थे। तो ये बैनामा क्या फर्जी था? फर्जी है।